दोस्तों अमृत कलश जब समुद्र मंथन से निकला तो दैत्य एक दूसरे के हाथों से उसे छीन रहे थे। इसी बीच एक मनोरम स्त्री उनके बीच चली आई। सभी उस मनोरम स्त्री के सौंदर्य को देखकर हठात मोहित हो गए। वे सभी आपस का झगड़ा भूलकर उस मनोरम स्त्री के पास दौड़कर गए। दैत्यों ने देवी से पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आई हो, सुंदरी तुम क्या करना चाहती हो। देवी को देखकर दैत्यों के बीच खलबली मच गई। दैत्य कहने लगे, अब तक देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व, चरण और लोकपालों ने तुम्हें स्पर्श तक नहीं किया होगा, अवश्य ही विधाता ने तुम्हें संपूर्ण इंद्रियों के मन को तृप्त करने के लिए भेजा होगा। सुंदरी तुम हमारा झगड़ा मिटा दो, तुम न्याय अनुसार निष्पक्ष भाव से इस अमृत को बांट दो, जिससे हम लोगों में और अधिक झगड़ा ना हो। दोस्तों वास्तव में श्री हरि विष्णु योग माया शक्ति से युक्त होकर मोहिनी अवतार धारण किए हुए दैत्यों के पास गए थे। योग माया शक्ति के प्रभाव से तीनों लोकों में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे बस में नहीं किया जा सकता है। यही योग माया शक्ति आदि शक्ति है। दोस्तों दैत्यों की प्रार्थना पर तीनों लोकों को मोहित करने में समर्थ मोहिनी देवी ने दैत्यों से हंसकर कहा कि मैं माया हूँ तथा आप महर्षि कश्यप के संतान हैं, मुझे न्याय का भार क्यों दे रहे हैं। बुद्धिमान पुरुष को स्वेच्छाधारी स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मोहिनी देवी की परिहास भरी वाणी दैत्यों को और अधिक अस्वस्थ कर गई और उन्होंने अमृत से भरा कलश उनके हाथों में दे दिया। मोहिनी देवी ने अमृत का कलश अपने हाथों में ले दैत्यों से कहा, मैं जो भी करूं फिर चाहे वो उचित हो या अनुचित, अगर तुम्हें स्वीकार हो तो मैं तुम्हें अमृत बांट सकती हूँ। उनकी मोह युक्त मीठी बात सुनकर सभी दैत्य देवी मोहिनी के प्रस्ताव पर सहमत हो गए। मोहिनी देवी ने अगले दिन अमृत का पान करने की सलाह दी। मोहिनी देवी के आदेशा अनुसार अगले दिन समस्त दैत्य स्नान कर अमृत पान करने हेतु पंक्ति में बैठे। देवता भी वहां आकर बैठ गए। मोहिनी देवी अमृत का कलश हाथ में लेकर आई। वे बड़ी ही सुंदर साड़ी पहने हुए थी, उनकी आंखें नशीली थी, कलश के समान स्तन तथा गज शावक के सूड के समान उनकी जंघाएं थी। देवी के स्वर्ण नुपुर अपनी झंकार से सभी को अपनी ओर मोहित कर रही थी। सुंदर कानों में कुंडल थे तथा उनकी नासिका, कपोल तथा मुखारविंद बहुत ही मनोरम थे। बाद में भगवान के इस मोहिनी अवतार ने देवों को अमृत पान कराया और दैत्यों के साथ छल किया। उधर जब भगवान शिव ने सुना कि भगवान श्री हरि विष्णु ने दैत्यों को मोहित कर देवताओं को अमृत पिलाने के लिए स्त्री रूप में धारण किया तो ये उस स्थान पर गए जहाँ भगवान श्री हरि निवास करते थे। वहाँ पर जाकर भगवान शिव जी ने भगवान श्री हरि की स्तुति वंदना की। श्री हरि ने भगवान शिव जी को दैत्यों को मोहित करने वाले मोहिनी रूप दिखाया। एकाएक शिव जी एक रंग बिरंगे फूलों से भरे उपमन में पहुँच गए। वहाँ उन्होंने बड़े ही सुंदर परिधान पहने हुए, कमर में करधनी पहनी एक सुंदर स्त्री को कीड़ा करते हुए देखा। उन देवी ने लज्जा के भाव से मुस्कुराकर तिरछी नजर से भगवान शिव की ओर देखा। बस फिर क्या था, कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शंकर का मन उनके हाथ से निकल गया। वे मोहिनी देवी को निहारने लगे। उनकी चितवन के रस में डूबे भगवान शिव जी इतने भावातुर हो गए कि उन्हें अपने आप में ही सुध न रही। जहाँ भगवान शंकर की मोहिनी देवी पर आंखें लग जाती थी, लगी रहती थी तथा उनका मन वहीं रमन करने लगता था। वे मोहिनी रूप के अत्यंत आकृष्ट हो गए थे। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ती थी। मोहिनी के हाव भाव से भगवान शिव जी का विवेक भी शून्य हो गया था तथा वे कामतुर हो गए थे। अपनी बैरी कामदेव से मानो परास्त होकर भगवान शिव जी विष्णु जी के मायामय मोहिनी रूप को जानकर भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। माता पार्वती जी का ख्याल त्याग कर भगवान शिव मोहिनी के पीछे लग गए। उन्होंने उन्मक्त मोहिनी के केस पकड़ लिए। मोहिनी अपने केसों को छुड़ाकर फिर वहां से चल दी। भगवान शंकर फिर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उसी समय पृथ्वी पर जहां जहां भगवान शंकर के बीरे गिरे वहां वहां शिवलिंगों का क्षेत्र और सुवर्ण की खाने हो गई। तत्पश्चात यह माया है ऐसा जानकर भगवान शिव अपने स्वरूप में स्थित और शांत हुए।
तो दोस्तों यह थी जानकारी भागवत पुराण में वर्णित उस कथा की, जब मोहिनी रूप पे भगवान शिव मोहित हुए थे। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है और आप ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।